कि धरती पर एक ऐसा स्थान है जो स्वर्ग के समान है और जिसका नाम हरियाणा है। हमने ये पढ़ा तो गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि इसका मतलब ही कुछ ऐसा है। लेकिन जब से हमने अपनी समझ डेवलप की तो बार बार एक तंज भी सुना कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे तो एग्रीकल्चर है। तो किसी भी स्टूडेंट का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है कि कहीं तो लिखा है कि हरियाणा जो है वो स्वर्ग के समान है, और जो स्वर्ग के समान है फिर वहां कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है। तो ये बड़ा द्वंद का मामला है। हम बातचीत में कुछ इसी विषय पर बात करेंगे। जहां तक बात है कि फैमिली ट्रेडिशन की, हरियाणा का अपना एक तरीका है, अपना हमारे लोगों का अपना एक तरीका रहा है। मैं परिवार की बात बताता हूं कि यहां कैसे सिस्टम चलता है। अगर गांव में कोई आदमी बाहर से आए और वो पूछे भाई सुरेश का घर कौन सा है, तो जनरली ठीक से आदमी जो हमारा तरीका रहा रिएक्ट नहीं करते। उसको इशारे से कहा और बता, तो बोला सुल्तान का छोरा है। फिर रिएक्ट नहीं किया और बता, बोले नफे सिंह का पोता है। बोले यह बात ठीक है, नफे का घर शामी है। मतलब जो जीवित है दुनिया में है, प्रोटोकॉल सेट है कि सबसे बड़े के नाम पे घर है। बालक तो घने हैं, जब तक बड़ा जीव है जब तक नाम तो उसी का चलेगा। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम उस तरीके के लोग हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि यहां पर तो सिर्फ एग्रीकल्चर है। यहां रिश्तों को परिभाषित करने के लिए मैं, क्योंकि मेरी जो कार्यक्षेत्र है वो लोकगीतों का भी रहा है, तो मैं लोकगीत के ही एक माध्यम से कहूंगा कि बड़ा फेमस और पहला ही जो लोकगीत जुबान पे आता है, मेरा दामन सीमा दे हो नणदी के बीरा, मेरा दामन सीमा दे ओ नणदी के बीरा। इस ओ में ही हमारा फैमिली का जो प्रोटोकॉल है वो सेट है कि हम किसको किससे संबोधन करते हैं। ओ पति के लिए है, वो बात को घुमा के भी कह रही, वो सीधा संबोधन नहीं कर रही, ओ नणदी के बीरा, हे मेरी नणद के भाई ओ, क्योंकि ओ कहने से ही हमें रिश्ता परिभाषित हो जाता है। यहां रे भाई के लिए है, री भाभी के लिए है। तो जहां जिस संस्कृति में, जिस सिविलाइजेशन में इतने छोटे से वर्ड भर से, शब्द भर से एक रिश्ते परिभाषित हो सकते हैं, तो उसको हम अनकल्चर्ड कैसे कह सकते हैं। यह गीत जब बहुत पॉपुलर हुआ था, ये एक हरियाणवी फिल्म में आया था चंद्रावल में, तो इसका प्रभाव बंबई तक पहुंचा और उन्हीं दिनों एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में भी ये गीत का इंप्रेशन लिया गया, इसकी धुन ली गई, इसी का ही उन्होंने कंटेंट लेके बनाया कि मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सजना दीवाने। तो इस ओ का ध्यान उन्होंने भी रखा, हालांकि वहां पोएट्री में पोएट को शायद एक शब्द की कमी लगी थी, तो उन्होंने लिख दिया मुझे नौलखा मंगा दे रे, रे तक तो वो भाई हो गया, लेकिन ओ सजना दीवाने, तो ओ पे जाके उन्होंने भी ये ध्यान रखा कि हमारे यहाँ संबोधन जो है पति के लिए वो ओ से है। तो हमारे यहाँ परिवार का जो ट्रेडिशन है वो किस ढंग से कितना वेल डिफाइन है, छोटे छोटे शब्दों से, छोटी छोटी बातों से कैसे वेल डिफाइन है, ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं कहूँ। रही बात रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स जो है वो हर वाणे के गीत हैं हमारे पास। मैम की तो बड़ी स्पेशलाइजेशन, इन्होंने बहुत अच्छे से शोध किया है। हर वाणे के गीत है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक कितने ही इवेंट क्रिएट कर रखे जिन पर हमने गीत लिखे हैं, जिन पर हमने अपनी ढंग से अपने एक्सप्रेशन को लिखा है, संजोया है उस पर। एक गीत का मैं खासतौर से, क्योंकि युवा बच्चे भी बैठे हैं, उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ, और उसमें हमारी संस्कृति और संस्कार सब आ जाते हैं। हे पीढ़े बैठी सोचूं थी कद आवेगा भाई, पीढ़े ते उठ चाल पड़ी तो आ गया बड़ा भाई, हार उतारा श्रृंगार उतारा तारी नैना की शाही, रगड़ रगड़ मुंह लाल बना लिया ना उतरिया शाही। अब इसमें आप डिलेमा समझिए कि इसमें परिवार के रिश्ते भी समझ में आएंगे आपको, कि वो ससुराल में बैठी है, उसकी अपेक्षा है कि भाई आए, और भगवान ने सुन ली उसका भाई आ गया है, अब उसको उत्सुकता है कि भाई को जाके फेस करे, लेकिन भाई को मेकअप के साथ, सौंदर्य के साथ, जो भी सौंदर्य की एडिशनल चीजें डाली हैं उनके साथ
भाई को फेस नहीं करना होता, वो भाई के लिए नहीं है, वो साईं के लिए है, वो सैया के लिए है, वो भाई के लिए नहीं है। तभी वो कहती है कि रगड़ रगड़ मुंह लाल, हार उतारा श्रृंगार उतारा तारी नैना की शाही, रगड़ रगड़ मुंह लाल बना लिया ना उतरी या शाही। तो वो शाही नहीं उतर रही है, यही उसका जो है उसका डिलेमा है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमने इतना डिफाइन किया रिश्तों को कि एक बेटी जो है वो जब मायके में है तो वो किसी प्रकार की एनहेंसमेंट ऑफ ब्यूटी नहीं करेगी, वो किसी प्रकार का सौंदर्य एनहांस नहीं करेगी, क्योंकि एनहांसमेंट वो कहीं ना कहीं भोग से जुड़ी हुई है। वो भोग किसी भी तरीके का हो सकता है, वो दृश्य का भी हो सकता है, देखने के का भी हो सकता है, लेकिन जहां उसका रिश्ता भोग का है ही नहीं, बेटी का रिश्ता है, तो वो ना तो वो काजल डालेगी, ना ही वो कहीं कानों में या गहनों में डालेगी। ये तरीका हमारा रहा है कि हम मायके में मेकअप नहीं करती थी हमारी बेटियां, लेकिन जब उसका रिश्ता विवाह का रिश्ता है तो हम ही हमारे ही लोग उनको सुंदर कपड़े बनवा के देते हैं, जिनमें सितारे होते हैं, जिनमें घोटे होते हैं, जिनमें मेकअप का भी अगर थोड़ा बहुत कोई ज़रूरत है तो उसका सामान भी होता है, लेकिन वो सब ससुराल पक्ष के लिए होता है, वो सब ससुराल पक्ष के लिए होता है। इसलिए जब वो लड़की उधर गई है तो उसके जीवन में हमने रिश्ते को एक उत्सव की तरह रखा है, वहाँ वो उत्सव की तरह है। वहाँ अगर वो पहन के जाती है तो वो अगर बार बार पनघट जाना होता है तो भी हो सकता है, जिसका घर का ब्योत बढ़िया हो, जिसने कपड़े चोखे छोरी दे रखे हों, तो वो बार बार हर बार नए नए वस्त्र पहन के भी अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएगी और अपना सौंदर्य रूप दिखाएगी। इसमें भी एक गीत एक रागनी बनी हुई है कि जो क्योंकि वहाँ ससुराल में उसका रिश्ता लोगों के साथ लिटिल बिट रोमेंसिज्म का है, चाहे उसमें देवर है चाहे उसमें बड़े भी हैं, उनमें ये छूट है कि उसके सौंदर्य को वो निहारेंगे। तभी एक रागनी बनी है कि चल चल फैसला करनी तेरा छोटा कदम चाल के माँ, गाती आड़ा टांग बहु तेरा पल्ला उड्डे बाढ़ के माँ। अब यहाँ पर वो जो सीनियर आदमी है वो उसकी ब्यूटी को उसकी चाल से ही डिस्क्राइब कर रहा है या महसूस कर रहा है, और उसमें कोई इच्छा नहीं है कि उसका चेहरा देखे, लेकिन उसने जिस ढंग के वस्त्र पहने हैं और जिस ढंग के उसकी चलने का तरीका है उसी से ही वो उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा रहा है, और साथ में उसको एडवाइज भी कर रहा है कि बेटा तेरे वस्त्र जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रख। यहाँ वो अपने बड़प्पन का रोल भी निभा रहा है, और इस पूरी रागनी को अगर आप सुनोगे तो लास्ट में कहीं पर भी वो उसको पाने की इच्छा नहीं देता रहा है, वो कहता है कि धन भाग उस धनी के जिसके तू ब्याहली आई। तो ये ब्यूटी को सुंदरता को वो उसके परिवार का, गांव भी एक परिवार ही होता है, वो परिवार का हिस्सा है, उससे छोटी है, उसके उसके नाते में भी छोटी है, लेकिन उसको वो अप्रिशिएट करना, तो अप्रिशिएट करने का तरीका कितना संस्कारिक है, कितना कल्चर्ड है, और उसको बोलता है कि उसके वो जो है वो बहुत धनी है, वो बहुत भाग्यशाली है जिसके तेरी जैसी सुंदर स्त्री ब्याहली आई है, तेरे जैसी सलीके वाली। तो ये सब जो है हमारा जो एक सांस्कृतिक पक्ष रहा है, ये जो हमारा तरीका रहा है, हमारे लोकगीतों का रहा है, हमारे लोकगीतों को अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो ये युवा पीढ़ी को बताने का है, दिखाने का है, समझाने का है। क्योंकि आजकल मैं ये देखता हूँ बहुत तरीके का खाचा माच रहा है, कसूता खाचा माच रहा है, किसी का समझ में नहीं आता। खासतौर से तो मैं विश्वविद्यालयों वालों को कहूँगा, इन्होंने इतनी तक भी रिसर्च नहीं की बेटी के वस्त्र क्या होते हैं, यार बहू के क्या होते हैं। अगर 4, 5, 10 साल की बच्ची को भी हरियाणवीपन बनाते तो उसको वो बहु बना के खड़ा कर देते, उसके होठ लाल करते, उसके माथे पे बिंदी लगा के खड़े कर देते और गले में कंठी। और आजकल तो ये देखता हूँ कि पुरुषों को भी कंठी पहना के खड़ी कर देते, ये कंठी तो हमारा मंगलसूत्र है, लेकिन क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़े लोग इन बातों पे कोई शोध ही नहीं कर रहा तो ये बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चों को तो हम जो बैठ के बता रहे हैं दिखा रहे हैं कि ऐसा हरियाणवी होता है, ऐसा होता है, इनको तो लगता है हरियाणवी ऐसा होता है। तो हरियाणवी वस्त्र सही में परंपरागत वस्त्र पहनने का तरीका क्या है, रिश्तों के हिसाब से भी वस्त्रों में क्या फर्क है, आभूषणों में क्या फर्क है, ये सब जानने समझने और शोध का विषय है। मैं चाहूंगा कि ये लोग करें। हमारा सांस्कृतिक पक्ष दबा क्यों रहा, ये बातें हमें क्यों कहनी पड़ रही हैं? मैं ये मानता हूं, और खासकर क्योंकि सर सामने बैठे हैं इतिहास से जुड़े, और बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े दिनों बाद मैं सर से मिला हूं, जब मैं कभी यहां पढ़ता था इतिहास में तो सर हमारे टीचर भी रहे थे। 1857 का जो इवेंट हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, वो एक बड़ा कारण रहा है हरियाणा के सांस्कृतिक रूप से पिछड़ने का। क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको लगभग भारत में आए 150 साल हो चुके थे,
लेकिन ऐसा बड़ा नुकसान उस कंपनी का कहीं भी नहीं हुआ था जैसा उन दिनों में इस दिल्ली के चारों तरफ के एरिया में हुआ, विशेष रूप से जो एरिया हरियाणा में आता है। उन्होंने इस बात को पहचाना, इस रेस को पहचाने, लोगों को पहचाना, ये कैसे लोग हैं। तो उन्होंने लंबे समय तक राज करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आदत थी कि वो एक एक कौम को उनकी स्टडी करते थे, उनके व्यवहार को स्टडी करते थे, उनके तौर तरीकों को स्टडी करते थे, तो उनके समझ में आ गई थी कि अगर इन पे राज करना है, इस देश पे लंबा राज करना है, तो इनकी सेल्फ प्राइड को खत्म करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ये नीतिगत फैसला लेके उन्होंने 1858 के बाद जब इस एरिए को दोबारा से कब्जाया है, तो उन्होंने यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा सब पे अटैक करना शुरू किया। सबसे पहला तो उन्होंने इनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, हमारे एक बड़े एरिए को पटियाला से जोड़ा, जींद से जोड़ा या पंजाब से जोड़ा, जो बाद तक पंजाब का हिस्सा रहा। बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं हम तो पंजाब थे, हम पंजाब नहीं थे, मजबूरी में पंजाब से बांध रखे थे। हमारे एक बड़े हिस्से को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जोड़ा, हमारे एक बड़े हिस्से को जो हमारी संस्कृति का, हमारी बोली का, भाषा का एरिया है, उसको उत्तर राजस्थान से जोड़ा, और दिल्ली को एक अलग से बना के, जबकि दिल्ली के गांव देहातों हरियाणवी रहे, हरियाणवी संस्कृति के, हरियाणवी बोली के, भाषा के, जमा निखड़ू अगर मैं हरियाणवी कहूं तो ये रोहतक सांपला से दिल्ली की तरफ की थी, लेकिन उसकी छाती पे राज करना था, ये स्ट्रेटजी थी। तब उन्होंने ये तरीका अपनाया था कि अगर कोई कमरे में घुसता, उसको घुसते ही कहते यार तुझे कपड़े पहनने नहीं आते, बोलते बोलते तुझे बोलना नहीं आता। मतलब ये था कि इनको इतना डिमोरलाइज करो, इनकी प्राइड को खो दो। इनकी प्राइड को खो दिया गया, ये सब इतना मतलब स्ट्रेटजिकल हुआ है। और एक दुर्भाग्य ये रहा कि जब देश का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के बाद जो एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के पार्ट से शिफ्ट होकर आया, उसकी बसावट ज्यादातर यहां शहरों में कर दी गई। जब यहां शहरों में कर दी गई, तो एक ग्राम और ग्रामीण और शहरी संस्कृति का टकराव हो गया। शहर में गांव से आने वाले आदमी को जो तन्ने बोलता है उसको गंवार मान लिया गया, जो तुसी बोलता गया है उसको शहरी मानता गया। ये तन्ने और तुसी का ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। पिछले कम से कम 70 सालों में हमें शहरी लोगों ने भी एक तरीके से नीचा दिखाया, दबाया हमारी बोली, भाषा, कपड़े, लत्तों पर। लेकिन और उसमें भी एक दुर्भाग्य की बात यह रही है कि एक बड़ा वर्ग जो हरियाणवियों का था, देहातियों का था, वो जब नए नए पढ़ के लिख के शहरों में आते थे, तो वो भी अपनी पहचान बताने में शर्माते थे। उनको लगता था कभी तू भी देहाती ना कंसीडर हो जाए। ये सारा 1857 से चलता रहा है। ये तो एक संजोग की बात समझिए कि 1897 में हमने एक एल्बम बनाई थी, गिटपिट गिटपिट, जिसके गाने पहली हरियाणवी पॉप थी जो पूरे देश में बनी चली। मैं ये कहूँगा कि वो गीत गाने बनाना मेरे व्यवसाय से बड़ा मेरा एक सामाजिक काम था। मैंने उसके इंटरव्यू में हर जगह लिख के ये कहा था कि मैं यहाँ की युवा पीढ़ी को अपनी बोली भाषा से जोड़ के रखना चाहता हूँ, संगीत उसका एक माध्यम बनेगा। और मुझे गर्व की बात है कि महसूस होता है कि जब मैं आज भी किसी स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में जाता हूँ, तो वहाँ पर आधी सी रात मेरी नींद उचटकी, हिल्ली में बढ़ गए चोर, आज भी छोटी छोटी बच्चियाँ उस पर नृत्य करती दिखती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 22 साल से ज़्यादा हो गए उसको रिलीज हुए, लेकिन आज भी वो बच्चों के लिए मनोरंजन का काम कर रही है, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का, बोली से जोड़ने का काम ये हमारा जो काम है वो कर रहा है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने तो हरियाणवी पॉप शुरू किया। उन्होंने बकायदा ये कह के किया, जी आपके गीतों से प्रभावित होकर हम एक नया आइटम शुरू कर रहे हैं। हमने गीत बनाया था देसी का पौवा, इंग्लिश का अद्धा, बियर की बोतल और गैल हो जा भुगड़े, तो बंबई ने ठाकर रो तक में दर्द। ये गीत 2002 में रिलीज किया था, इतना बड़ा हिट हुआ था। हालांकि भैया मैं नहीं देसी का पौवा लेता ना इंग्लिश का अद्धा लेता, लेकिन मुझे लगा था अगर हमारे यहाँ ये वर्ग भी है तो इसका मनोरंजन स्वस्थ रूप से इसकी बोली भाषा में होना चाहिए। तब तो मैंने गीत बनाया था, इतना बड़ा हिट हुआ कि जब 2005-06 में पिछली सरकार में जब पहली बार यहाँ एक फंक्शन में मुख्यमंत्री ने इस गाने के संदर्भ को लेकर यह कहा कि भाई जोकर वो गाना बंबई ने ठाकर रोहतक में धरने की बात करता है, हम बंबई ने रोहतक में धरेंगे और यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे। आज एक सुपुआ नाम की यूनिवर्सिटी खड़ी है जो करोड़ों की लागत से बनी है। उस यूनिवर्सिटी का आइडिया एक पॉलिटिशियन को देने का काम इस गीत ने किया है। तो ऐसे जो काम किए गए वो कामों की एक सीरीज चली। और मैं ये देख रहा हूं मैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत तरीके से धीरे धीरे लोगों का प्राउड बढ़ गया। मैं बता रहा हूं, आप सीनियर आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां तो संस्कृति को ऐसे छोड़ा गया था कि 80 के दशक में मैक्सिमम घरों के गूदड़े जो थे वो बुजुर्गों की घाघरियों के बने हुए थे। लोगों ने घाघरियों को तो पाड़ पाड़ के गूदड़े बनवा दिए थे। लेकिन अब दोबारा फिर से आपको फेसबुक पे, डिफरेंट माध्यम पे
आपको बच्चे घाघरियों में दिखते हैं, महिलाएं दिखती हैं, और उस पर अपने फोटोग्राफ लगाते हैं, विदेशों में कर रहे हैं ऐसा ऐसा काम। ये हमें हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंट की बात और गर्व की बात है कि इसका मुख्य रोल हमने ही निभाया, इस पे इस काम को हमने फैलाने में कोशिश की, हमने गीतों से, गानों से, प्रोग्राम से। अगर मैंने एवन तहल का चैनल चलाया उसमें भी सबसे ज़्यादा हरियाणवी प्रोग्रामिंग की, हमने पूरा कल्चर का चैनल चला दिया एनडी हरियाणा, अपना कल्चर अपना चैनल, ये सब एक ने एक माहौल बनाया। 2017 के बाद तो मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे आज चारों तरफ हरियाणा हरियाणा हो रहा है। आज बॉलीवुड में भी हरियाणा है, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों का। तो इन सब से आज एक सकारात्मक माहौल बना है कि जिस काम में हम पीछे रह गए थे, जिस क्षेत्र में हम पीछे रह गए थे, मुझे अब लगता है कि हम उस क्षेत्र में भी एक ऊंचाइयों को छुएंगे। क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो मुझे याद है कि एक दो किताब बड़ी मुश्किल से थी हरियाणवी गीतों के ऊपर, लेकिन आज मैम जैसी बहुत सारी नई लेखिकाएं लेखक आ गए हैं जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें हरियाणवी में लिखी हैं। ये पिछले 5-10 साल में ही ऐसा हुआ है कि लोग हरियाणा पे शोध कर रहे हैं, यहाँ के गीतों का संकलन कर रहे हैं, यहाँ की कहानियों का संकलन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म बन गए हैं डिजिटल, जिस पे लोग प्राउड से ऐसा कर रहे हैं। ये नए नए बच्चे भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। ज़रूरत पड़ती है हम सब बड़ों की, सीनियर्स की, कि हम इनका सही में मार्गदर्शन कर सके कि सही में संजोना क्या है, बचाना क्या है। क्योंकि हमने एक लाइन दी थी कि हमने रामानंद सागर की रामायण हरियाणवी बोली में की थी, 162 एपिसोड हरियाणवी बोली में की थी। गुलाब सिंह जी यहां बैठे, इन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था, मिठी बोली हरियाणा की अपना रंग दिखावेगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता बन के आवेगी, रिश्तों की मर्यादा घर घर में पहुंचावेगी, हरियाणा की बोली में रामायण देखी जावेगी, राम नाम का ज्ञान मिलेगा, भक्ता ने भगवान मिलेगा, अपनी देसी बोली में मान और सम्मान मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट ये सोच के किया गया था कि हमारी बोली में लोग मजाक समझते हैं, छिछोरापन समझते हैं, तो जो इस्टेब्लिश एक कंटेंट है इतना बड़ा लोगों के दिमाग में, हम उसकी गरिमा को रखते हुए हम हरियाणवी में कैसे चेंज करें। हमने पूरे 162 एपिसोड उसके चेंज किए, वो हमने चलाई। तो जब ये प्रोमो चलता था, एक लाइन चलती थी कि हरियाणवी बोली को मान सम्मान दिलाने के लिए हरविंदर मलिक पेश करते हैं रामानंद सागर की रामायण हरियाणवी बोली में। अब ये लाइन बार बार रिपीट हुई तो इतनी पॉपुलर हो गई कि आजकल एक फैशन चल रहा है हरियाणा में, हरियाणवी को बचाना है, हरियाणवी संस्कृति को बचाना है, घनखरिया ने न्यू भी नहीं बेरा की बचाना है, पर यह लाइन जरूर चाह लगी कि हरियाणवी संस्कृति को बचाना है। अब तो ऐसे ऐसे लोग भी बंबई से आगे कह रहे हैं जिनको पहले ये कहने में भी शर्म आती थी कि वी बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, वो अक्सर कहते हैं वी आर फ्रॉम दिल्ली, वी आर फ्रॉम पंजाब, अब वो भी आके ये कहते हैं कि जी हरियाणवी संस्कृति को बचाना है। ये एक मिशन सा बन गया है, मैं मानता हूं इसी में से कुछ अच्छा भी निकलेगा, इन बच्चों में भी ये भावना जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, इन सब को अगर हम सही से संजो के, चाहे किताबों के रूप में, वीडियोस के रूप में, ऑडियोज के रूप में अच्छे से सामने रखेंगे तो इनकी आयु लंबी होगी या आगे भी हमारे जीवन का किसी न किसी रूप से हिस्सा बने रहेंगे। धन्यवाद।